हमको लेना था एक आईफोन, तो हम सीधे पहुंच गए कैसीफाई स्टोर। वहां पे हमें लगा सस्ता फोन मिल जाएगा, लेकिन कैसीफाई वाले भाई साहब मुझे अकेले कस्टमर के आगे सामने सीधे ही चाय मंगाते हैं और खुद अकेले पीने लगते हैं। उसके बाद हम उससे पूछते हैं आपको कौन सा फोन चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने बताया कि मुझे आईफोन 12 चाहिए, तो भाई साहब ने हमें एक गुड कंडीशन, एक फेयर कंडीशन और एक सुपर कंडीशन वाला फोन पकड़ा दिया। और भाई साहब तीनों ही फोन ऐसे थे जिनमें हमें ये पता नहीं चला था कौन सा सुपर है, कौन सा गुड है और कौन सा फेयर है, क्योंकि तीनों की ही क्वालिटी और कोई भी बॉडी डेंस नहीं थे। और तीनों ही फोनों को मैंने एसीपी प्रद्युमन की तरह बिल्कुल गहराई से जांच की, जिसमें हमें पता चला कि जो सुपर वाला कंडीशन वाला फोन था उसमें हमें अभी एक मंथ की वारंटी बची हुई थी, बाकी सारे फोन एक्सपायर चुके थे। और उसके बाद बैटरी परसेंटेज की बारी आई, जिसके बाद हमने सबसे पहले चेक किया सुपर वाले कंडीशन की, उसमें हमें देखने को मिली 100% बैटरी कैपेसिटी। उसके बाद बारी आई गुड वाले कंडीशन की, उसमें भी हमें भाई 100% कैपेसिटी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद हमने फेयर को भी चेक किया, तो उसमें भी भाई 100% हमें देखने को मिली। तो भाई मैंने कैसीफाई वाले स्टोर वाले से भाई से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है कि तीनों में हमें 100% मिले। तो उन भाई साहब ने कहा कि भाई जो गुड और फेयर वाला है इसमें हो सकता है बैटरी नई लगाई गई हो, लेकिन वहाँ पे अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा था। और जो गुड वाली कंडीशन और फेयर वाली कंडीशन थी उसमें हमें देखने को मिल रहा था डिस्प्ले पे कि ये थोड़ा सा चेंज लग रही थी, क्योंकि बाहर ग्लू भी लगा था और सही से स्टिक भी नहीं हुई थी। और उसके बाद जो भाई साहब चाय पी रहे थे उनसे हमने कहा कि और कोई आईफोन है जो हमें सुपर कंडीशन में मिल सके, तो उन्होंने कहा कि और कोई नहीं मिल रहा है। 128GB वाला वेरिएंट भी हमें नहीं मिल रहा था सुपर कंडीशन में, हमें मिला था केवल 64GB वाला। और भाई साहब 64GB वाले वेरिएंट भी हमें 34,000 का पकड़ा रहे थे। फिर मैंने सोचा उससे अच्छा 40,000 का नया ही ले लें।